Very good morning. Today we will cover the wildlife of India. India is rich in flora, it is also rich in its fauna. Fauna means animal life. The data says, you need to underline this data, that it has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of world total. There are 2,546 species of fish, which account for nearly 12% of the world stock. It also shares between 5 and 8% of world's amphibians, reptiles, and mammals. So it shows that India has a very rich variety of fauna. Jo elephants hain, that are mostly found in the west wet forest of Assam, Karnataka, and Kerala. Assam is also famous for the one-horned rhinoceros, right? The dry regions of run of Kutch and the Thar Desert, in these areas, the wild ass and the camels are found. Then Indian bison, Nilgai, Chausinga, which is the four-horned antelope, gazelle, and other different species of deer are some animals which are found in India. इसके अलावा इंडिया में मेनी स्पीशीज ऑफ मंकीज आर ऑल्सो देयर. इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस. अब कई कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पर आपको सिर्फ लायंस मिलेंगे, कहीं पर सिर्फ टाइगर्स मिलेंगे. प्लीज अंडरलाइन दिस फैक्ट, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस. जो इंडियन लायन है उसका जो हैबिटेशन है दैट इज देयर इन गुजरात. जो टाइगर्स है वो ज्यादातर मध्य प्रदेश, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, वहां पर पाए जाएंगे, या फिर सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल की, विच वी हैव ऑलरेडी रेड कि वहां के जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं दैट आर वेरी फेमस. देन द लेपर्ड्स, दे आर ऑल्सो फाउंड, एंड इवन बाकी भी एनिमल्स जैसे जैगुआर्स हैं, ये बड़े कॉमनली यहाँ पर पाए जाते हैं. इवन जो एनिमल जिसे तेंदुआ कहते हैं हिंदी में, वो आपको इवन कई बार आप लोगों ने फेसबुक रैंडम वीडियोस में देखा होगा, कई बार पंजाब में ही कई घरों में, यस मतलब जो एरिया थोड़े से आउटस्कर्ट्स पे हैं वहां पर आ जाते हैं घरों में, तो यही इतना थोड़े से कॉमनली फाउंड हैं. एज फार एज द हिमालयाज हार्बर इज कंसर्न, यहाँ पे वही एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड को बियर कर पाते हैं. तो जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि यहाँ पे वही एनिमल्स मिलते हैं जिनके फर होते हैं बॉडी के ऊपर, राइट. सो इसमें है लाइक शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स वेइंग अराउंड 1 टन, और ये जो यहाँ पे एनिमल्स नॉर्मली पाए जाते हैं थोड़े हैवी बॉडीड होते हैं, क्योंकि इतनी ठंड जो है वहां पर इनके जो आप कह सकते हैं फैट जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देन इज द तिब्बतन एंटलॉप, द भारल, वाइल्ड शीप, क्यांग. ये आप लोगों ने नाम थोड़े आपको अजीब लगते होंगे क्योंकि ये कॉमनली फाउंड एनिमल्स नहीं है, राइट. And then the ibex, bear, snow leopard, rare red panda, these are found in certain pockets. Red panda to na Darjeeling mein bahut bada zoo hai, wahan par red pandas are there. So matlab usko aap unke natural habitat mein wahan par dekh sakte hain. As far as the rivers are concerned, yahan par lakes ya jo coastal areas hai wahan par turtles, crocodiles, ghadiyals jo hain wo alligators hain, wo bhi yahan bahut zyada paaye jaate hain. This map is depicting the wildlife sanctuaries, the bird sanctuaries, and even the national parks. ये जो national parks हैं या bird sanctuaries हैं, ये government ने बनाई है as a step to protect these animals from or to prevent these animals from getting extinct even, right? So it's not only animals, it's not only the plants, even the very good variety of birds is also found. अगर कभी आप छतबीड़ जाए ना, छतबीड़ जो नेशनल पार्क है वहां पर बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स हैं, कलरफुल पैरट्स वहां पर पाए जाते हैं. समटाइम्स वी फील कि सर वो कलर करके ना रखे हो उन्होंने, बट वेरी ब्यूटीफुल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड देयर. व्हाइट क्रोकोडाइल, यस ये भी कई एरियाज में बहुत ही रेयर है ये वाला एनिमल जो है, और ये रेप्टाइल जो है इट्स वेरी वेरी रेयर और बहुत कम एरियाज में पाया जाता है ये. सो ये जैसे पीकॉक्स हैं या डक्स हैं, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, इवन वाइट पिजन्स जो हैं वो कितने आपको व्यू में नजर आ जाएंगे, राइट. और
जो क्रॉप्स हैं हमारी वो जो है दे आर कैरिंग मेनी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स इवन राइट. इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने शुरू से ही अगर अर्ली मैन की बात करते हैं तो उन्होंने जो जब एनिमल्स पालने शुरू किए when they had started taming the animals, तो उन्होंने बड़े सोच के चूज किया कि हमने किसको टेम करना है किसको पालना है राइट. तो वहीं पे थोड़े से कैटेगराइज हो गए वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स राइट. तो उन्होंने क्या किया कि ट्रैवल करना होता था तो दे हैड स्टार्टेड टेमिंग द हॉर्सेस दे हैड स्टार्टेड टेमिंग द म्यूल्स और द कैमल्स और द डोंकीज इवन राइट. जिसका सामान ट्रांसपोर्ट कर पाते थे खुद एक जगह से दूसरी जगह वो जा पाते थे. इसके अलावा जैसे हेंस हैं ठीक है वो रखी गई कि एग्स मिलते हैं. अब कैटल्स पाले उन्होंने जिससे कि दे कुड गेट द मीट एंड द मिल्क राइट. अब ये जो कैटल्स रखी हैं तो इनको वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए दे स्टार्टेड टेमिंग द डॉग्स राइट. तो ये जितने भी एनिमल्स जो पाले ह्यूमन बींग्स ने वो काफी सोच समझ के उन्होंने रखा कि किसको हमने पालना है राइट. और फिश जो थी फिश हंटिंग जो थी वो शुरू से ही होती रही है बिकॉज इट हैज बीन ऑलवेज अ न्यूट्रिटिव फूड राइट. इसके अलावा आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है कि मैंने इंसेक्ट्स आर देयर हू हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल. सो हर स्पीशी जो है वो कोई ना कोई रोल जो है वो प्ले करती है इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक. हर एक स्पीशी जो है उसका अपना एक रोल है इकोसिस्टम में को प्रोटेक्ट करने का. सो हर एक स्पीशी जो है उसको कंजर्व करना उसको प्रोटेक्ट करना दैट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज एवरी स्पीशीज हैविंग इट्स रोल टू प्ले. तो इन जो ह्यूमंस हैं उनकी ग्रीड के कारण काफ़ी जो ये एनिमल स्पीशीज हैं या प्लांट स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही हैं. डाटा सेज अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड जो खत्म हो सकती हैं एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट. 20 स्पीशीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं. इवन एनिमल्स में भी कई ऐसे एनिमल स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड है अभी भी खत्म हो सकती हैं. टाइगर्स हैं लायंस हैं एंड सम आर बेयर विच आर एक्सटिंक्ट. पहले एक डक की तरह एक एनिमल होता था दैट वाज डोडो राइट. वो हाँ वो तो गायब ही हो गया खत्म हो गया है ही नहीं वो. अब डायनासोर्स जो है वो भी तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं. दे एग्जिस्टेड ऑन अर्थ लॉन्ग बैक जो हमारे साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि इनका एग्जिस्टेंस था बट अब ये नहीं है. और अगर ये गवर्नमेंट ने इन टाइगर्स लायंस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स ना बनाए होते तो ये भी शायद आज एक्सटिंक्ट हो चुके होते. जो लायंस हैं लायंस एक टाइम ऐसा आया था कि पूरे इंडिया में सिर्फ हार्डली कुछ हंड्रेड्स जो लायंस थे वो बच गए थे रेस्ट वर हंटेड. सो टाइमली द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड सो एज टू प्रोटेक्ट दीज लायंस. फिर इनको शिफ्ट किया गया गिर फॉरेस्ट गुजरात में जहां पर ये नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं राइट. सो वहां पर ये बचना शुरू हुए फिर ये ब्रीडिंग शुरू हुई तो धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ. ऐसे ही टाइगर्स जो थे उनकी भी बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही थी. टाइगर की जो स्किन है वो बहुत जगह यूज होता है डेकोरेशन में यूज हो जाता है क्लोथिंग में यूज हो जाता है कोट्स बनते हैं उसके लोग जैकेट्स बनाते हैं उसके राइट. तो उसके लिए उनकी हंटिंग की जाती है. तो वहां भी टाइमली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था जिसके कारण थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहा और ये जो टाइगर्स हैं ये भी थोड़ा मल्टीपल होना शुरू हो गए राइट. सो द मेन कॉज एज मेंशन कि इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द हंटर्स व्हेन दे हंट दीज एनिमल्स. इसके अलावा जो हमारे प्लांट स्पीशीज हैं उनका गायब होने का क्या रीजन है वो उनकी तो हंटिंग होती नहीं है. दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है केमिकल्स हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट है और एसिड डिपॉजिट्स हैं और कुछ ऐसे कई बार हम लोग एलियन स्पीशीज ले आते हैं जो सर्वाइव ही नहीं करती हैं राइट. सो इसके अलावा कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है और कटिंग जब होती है फॉरेस्ट की तो कई बार ऐसी स्पीशीज भी कट जाती हैं जो कई जगह हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं राइट. तो इन सब के कारण प्लांट स्पीशीज जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बायो रिजर्व्स बना रखे हैं.
बायो रिजर्व्स क्या है, जहां पर हर जो स्पीशी जो एंडेंजर है दे आर प्रोटेक्टेड, एनिमल की भी और प्लांट्स की भी, छोटे आप कह सकते हैं माइक्रोब्स से लेकर बड़े एनिमल्स तक जिनका जो एंडेंजर है दे आर प्रोटेक्टेड हियर इन दीज बायो रिजर्व्स। आप कह रहे हैं डायनासोर्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उस समय एक तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और ये डायनासोर्स जितने ह्यूज एनिमल्स थे वो तभी सर्वाइव कर सकते थे जब पॉपुलेशन कम होती, ह्यूमन पॉपुलेशन कम होती। अब तो ह्यूमंस के रहने के लिए जगह नहीं है, तो बेचारे डायनासोर्स कहाँ सर्वाइव करते, राइट सर। एनीवे गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं, एज आई सेड कि बायो रिजर्व्स बनाए हैं, और इनमें से कुछ बायो रिजर्व्स तो ऐसे हैं विच आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स, मतलब बड़े अच्छे से उसको मेंटेन किया गया है, एंड दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग मेनी ऑफ द स्पीशीज, राइट। इसमें है सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, दिहांग दिबांग, रिबरू, देन अगस्त्य मलाई, देन कंचनजंगा, पंचमढ़ी एंड अमरकंटक, ये सारे के सारे बायो रिजर्व्स हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। सेकेंडली, जहां भी कहीं कोई बोटानिकल गार्डन्स बन रहे होते हैं वहां पे फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, एंड इट इज देयर सिंस 1992। नाउ बिसाइड्स दिस, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स, दीज आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इसके अलावा ये जो हम लोग कह रहे हैं कि प्लांट्स को भी बचाना जरूरी है, उसका एक रीजन और भी है कि ये जो प्लांट्स हैं दीज आर हैविंग द मेडिसिनल वैल्यूज। अब आपके सबके घरों में तुलसी लगी होगी, राइट। तो तुलसी आजकल अभी भी पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कफ कोल्ड है तो दे अवॉइड गिविंग यू अदर मेडिसिन, दे प्रेफर की तुलसी का आजकल एक काढ़ा बना दिया या तुलसी की चाय बना दी, अदरक डाल दिया, शहद दे दिया, काले मिर्च डाल के, ये सब देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि अब ना लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। आज से अगर आप कहें 10-15 साल पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, नाउ द पीपल आर वेरी मच अवेयर, राइट, दे नो हाउ टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी। तो अब अगर आप नोट करें, लोग आजकल अपने घरों के आसपास भी बड़े अच्छे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स लगाना शुरू कर रहे हैं, राइट। कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे सर्पगंधा, इट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, और ये एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, इज ओनली फाउंड इन इंडिया। जामुन, जामुन जो है इसकी जो लीव्स होते हैं वो डायबिटिक लोगों को दिए जाते हैं, लीफ इसका तोड़ के कच्चा ही खाते हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनको उनके शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है ये, राइट। सो इट इज द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर, एंड द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। सीड भी यूज होती है, पत्ता भी यूज होता है इसका। अर्जुन, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, इट्स अ क्योर फॉर ईयरएक, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। बबूल, लीव्स आर यूज एज अ क्योर फॉर आई सोर्स, इट्स गम इज यूज एज अ टॉनिक। नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, कभी अगर चोट लग जाए, वुंड है, वुंड के ऊपर माना जाता है कि अगर नीम के पत्ते को लगा दिया जाए तो वो जो वुंड है वो जल्दी हील हो जाता है, राइट। इसके अलावा हल्दी होती है, हल्दी भी चोट के ऊपर लगा दो तो वो भी जल्दी हील हो जाता है, और आजकल तो पेरेंट्स अगर कहीं गिर जाते हो कुछ है तो मम्मी क्या करती है, फटाफट हल्दी वाला दूध दे देती है, राइट। वो भी आपकी जो इंटरनल इंजरीज है या कहीं, वो काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लेता है। और हल्दी जो है ये तो पेटेंटेड है कि इंडिया की ही क्रॉप है ये, राइट। तुलसी यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड, कचनार यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर, एंड द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो अब लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू आयुर्वेद। अब एलोपैथी की जगह लोग ज्यादा आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, राइट। सो नेचुरल होने के कारण लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड दे आर जस्ट यू कैन से ग्रो भी कर रहे हैं इस टाइप के ट्रीज। ये भी माना जाता है अगर आप अपने घर के आसपास नीम का पेड़ लगाते हैं तो आपका जो घर है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें जो हैं, दीज थिंग्स दे मेक यू कैन से द एनवायरमेंट ऑल्सो हेल्दी, और ये ह्यूमंस को भी बहुत ज्यादा हेल्दी रखने में
हेल्प करते हैं, दैट इज द रीजन कि दीज आर आज वी आर आई मीन आज टू प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स एंड स्पीशीज, जो इनको बचाना बहुत जरूरी है. जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस है ना, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस है, वो इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को उन्होंने ऑलरेडी कल्टिवेट किया होता है, अपने उनका इंस्टीट्यूट होता है वहां पर, दीज आर कल्टिवेटेड सो दैट कि वो मेडिसिन वहीं से बना लेते हैं, राइट. उनका अपना एक बोटानिकल गार्डन होता है जहां पर ये जड़ी बूटियां हैं या ये पेड़ हैं, ये वहां लगाए जाते हैं, राइट. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल.